जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में बात करेंगे बिहार टोला सेवक शिक्षा सेवक तालमी मरकज के बारे में। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद आपके लिए शानदार अपडेट लेके आए हैं बिहार टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज के बारे में। और हमारे जितने भी टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज के सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं, सर आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट है, गुड अपडेट है, बढ़िया अपडेट है। जी हाँ, बहुत ही लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, बहुत जगहों पे आपने देखा कि ज्वाइनिंग होने वाला था तभी आचार संहिता लागू हो जाता है और उस आचार संहिता में किसी का ज्वाइनिंग नहीं होता है, किसी का नियुक्ति नहीं होता है। तो आचार संहिता लागू होने के कारण आपने देखा कि प्रोसेस को रोक दिया गया, ज्वाइनिंग को रोक दिया गया, इवन इफ किसी भी जिला से कोई नोटिस देखने को आपको नहीं मिला। लेकिन अभी आपको जो है ना, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा जो है ना, डिटेल में बता देते हैं कि कब से जो ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, कितना समय लगेगा इसमें अभी, और कैसे क्या होगा आगे प्रक्रिया। क्योंकि जो है ना, 4 जून को तो भैया ये पूरा चुनाव संबंधित पूरा खेल जो है ना वो खत्म होने वाला है, और जो डीएम साहब हैं वो भी जो है ना चुनाव से आजाद हो जाएंगे। जैसे ही काउंटिंग हो जाएगा तो उनका उनका जो दायित्व होता है, चुनाव संबंधित दायित्व होता है, उससे भी वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। दिया गया है सर, शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारा नोटिस आया है, जिला वाइज नोटिस आया है, आप देख सकते हैं भागलपुर में आया है, लेकिन वो टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज से संबंधित नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आया है, टेंडर का आया है, बेंच डेस्क खरीदने का आया है, टॉयलेट साफ करवाने का आया है, रूम बनवाने का आया है, ठीक है, बहुत सारा नोटिस आया है। लेकिन कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि जहां पे नियुक्ति होना चाहिए बहुत लोग लंबे समय से वेट कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के इस पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर है, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा होगा, हम ज्वाइन करेंगे, बनेंगे टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज, मेहनत करेंगे, शिक्षा में जो है ना बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन उनके डिपार्टमेंट के द्वारा जो है टोला सेवक शिक्षा सेवक तालीम मरकज का पूरा बहाली जो है ना वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। चाहते तो इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, लेकिन चाहत ही नहीं था, विल ही नहीं था, इच्छा ही नहीं था तो कैसे होता, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा दायित्व डीएम साहब के अंदर में था। लेकिन चलिए, विभागीय काम है, उनका अपना तरीका है करने का, समय लगेगा, आपको भी जो है ना वेट करना पड़ेगा, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत हो सकता है तो इंतजार कर सकते हैं, जैसे ही नोटिस आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि देखो, 4 जून जो है काउंटिंग समाप्त हो जाएगा, 4 जून को पूरा का पूरा काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग समाप्त हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगा हर एक जिला से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जून में ही आपको नोटिस मिलेगा, जी ना, आपका जो है ना नोटिफिकेशन जो है ना वो जून में नहीं आने जा रहा है। जी हाँ, ज्वाइनिंग हो सकता है, जहां पे ज्वाइनिंग रुका हुआ है, चाहे वो सारण हो, पटना हो, रोहतास हो, जहां जहां का, वो आपको जून में देखने को मिल सकता है। लेकिन नया नोटिस, आगे की प्रक्रिया, ये आपका जुलाई अगस्त में होगा। जुलाई अगस्त में थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस में बहुत सारा समय लगने वाला है, क्योंकि आप जानते होंगे एक बार कोई ट्रेन को जो है ना रोक दिया जाता है किसी कारणवश, तो क्या होता है कि वो ट्रेन रुका ही रह जाता है वहां पे, और पीछे वाले सभी ट्रेन को क्या कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। वही चीज आपके साथ हो रहा है, वही चीज आपके साथ होगा जुलाई अगस्त। जी हाँ, जुलाई अगस्त में जो है ना पूरा प्रोसेस समाप्त किया जाएगा, टिल सितंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना जो है ना में पूरा प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जून में नहीं होने जा रहा है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। सूत्रों से जो जानकारी मिला है, विभाग से जो बात पता चला है, ठीक है ना, जो बता रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि जून में जो है आपका प्रोसेस नहीं स्टार्ट होने वाला है। हाँ, जून में ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस जिनका है, ट्रेनिंग वाला जो प्रोसेस है, जून लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बाकी प्रोसेस जो है ना आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप इस दौरान थोड़ा सा भी लूज पड़ जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये वैकेंसी का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, छोड़ो भाई, ठीक है ना, फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे छोड़ देते हैं, तो छूट ही जाएगा आपसे, क्योंकि ये ऐसा लेंदी प्रोसेस इसीलिए किया जाता है
कि होनहार बच्चा हो जिसके पास अच्छा मार्क्स है, अच्छा नंबर है, वो लोग क्या करे भैया, वो लोग क्योंकि वो टाइम के पाबंद होते हैं, ठीक है, जो समझदार होते हैं उनके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कहेंगे यार इतना लंबा प्रोसेस है क्या करें, छोड़ो चलो दूसरा काम देखते हैं, दूसरे चीजों पे फोकस करते हैं, तो वो छोड़ देंगे, जब फॉर्म आएगा, नोटिस आएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उनका हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको हम छोड़ने नहीं देंगे, आपको रहना है इस चैनल पे, पूरा जो है ना जुड़े रहना है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताते रहेंगे, कोई भी विभागीय ठीक है आदेश ऑर्डर या नोटिस मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे, निराश नहीं होना है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि आप निराश हैं, आप खुश नहीं हैं विभागीय काम से, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है वो विभाग के हाथ में है, शिक्षा विभाग के हाथ में है और आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना उनके हाथ में है, क्योंकि जब तक उनका हरी झंडी नहीं लगेगा, हरी झंडी नहीं देंगे, तब तक ये प्रोसेस जो है ना पूरा आगे नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सा जो है ना वेट एंड वॉच का रूल होगा, करना पड़ेगा वेट एंड वॉच, और जुलाई अगस्त में जाके कहीं खत्म हो सकता है आपका ये पूरा इंतजार और ये पूरा प्रोसेस भी खत्म हो सकता है, और सितंबर के बाद जो है ना आपको नया वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नया वैकेंसी इसलिए क्योंकि इस वैकेंसी में जितने सीटों पे होने जा रहा है उसमें बहुत सारा सीट जो है ना जहां पे सर्वे ही नहीं हुआ है वहां पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा नेक्स्ट वैकेंसी का तो वो भी हम बताएंगे आपको, और या आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, ठीक है ना, चाहे वो सहरसा हो, भागलपुर हो, वैशाली हो, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किशनगंज हो, जमुई हो, पूर्वी चंपारण हो, जहां पे स्टार्ट हुआ और एकाएक रोक दिया गया, स्टार्ट करने का क्या जरूरी था, फिर पश्चिमी चंपारण हो, बिहार के हर एक जिला का पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और आपको टोला सेवक शिक्षा सेवक में जरूर ज्वाइन करवाएंगे, जी हाँ जरूर ज्वाइन करवाएंगे, आप विश्वास करिए डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लगने दीजिए, आपका क्या जा रहा है, ठीक है ना, वो लोग अपना प्रोसेस है, दायित्व उनका है, पूरा का पूरा होगा। दूसरी बात, कुछ लोग जो है ना कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कुछ लोग जो है ना डिमांड करते हैं कि भैया आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो तुमको जो है ना कुछ देना होगा, भाई मेरे हम चाहेंगे आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों से बचे, फ्रॉड से बचे हमेशा, ठीक है ना, आज के दौर में देख लो जब से टेक्नोलॉजी का दौर हो चुका है फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग जो आपको कह रहे हैं आपका नंबर मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पे है इसके बावजूद भी आपको कहा जा रहा है तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपका अगर अंक बढ़िया है, आपने अच्छा अंक प्राप्त करा है टेंथ में, तो डेफिनेटली जो है ना आपका होगा, अगर आप उस टोले के हैं, अच्छे अंक प्राप्त किए हुए हैं, इस समुदाय के हैं, तो डेफिनेटली आपका होगा, अगर आपने सही से फॉर्म भरा है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके बढ़िया हैं, तो आपका जरूर होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इन लोगों से, ऐसे लोगों से बचना है जिनका यही काम है दूसरों से ठगना, ठीक है, दूसरों के मेहनत का पैसा लेके उसको यूज करना, ये ज्यादा लोग यही कर रहे हैं और आपको ऐसे लोगों से बचना है। मेरा ये दायित्व बनता है कि हम आपको सही डायरेक्शन बताएं, सही चीज बताएं, वेदर आपको डिसीजन खुद लेना है, तो ऐसे लोग अगर कोई आपसे कहते हैं तो उनसे बचिए और उनको जो है ना विभाग के विभाग को बताइए, ठीक है ना, उनको उन पे जो है ना पुलिस को बताइए कि सर ऐसे ऐसे लोग हमसे ऐसे ऐसे डिमांड कर रहे हैं, उनको जेल जाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है आपके साथ, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे ऐसे लोगों से, जिसका भी होगा मेरिट के ही आधार पे होगा, जिसका अच्छा नंबर रहेगा उसी का होगा सर, क्योंकि देख लीजिए आपत्ति दर्ज करने का तो मौका दिया जाता है, आपत्ति दर्ज करने में क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आपका नंबर ज्यादा है और कम नंबर वाले का आपसे ऊपर रैंक हो गया तो आपत्ति दर्ज करिए, क्लेम करिए, ठीक है, तो इसलिए तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, ठीक है, चलिए बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ठीक है लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक के बटन दबाने से हमको लगता है कि आपको जो है ना ये इन्फॉर्मेशन सही लगा है, कॉमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा, हम आपको जरूर पूरा प्रोसेस का अपडेट देते रहेंगे। अगर मेरे पास 10 नोटिस आ गया है ना उसमें अगर एक नोटिस रहेगा टोला सेवक शिक्षा सेवक ताली मरकज का तो सबसे पहले हम आपके लिए ही वीडियो बनाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको लगता होगा कि सर कोई नोटिस का अपडेट नहीं दे रहे, सर अपडेट दे नहीं रहे, लेकिन सर रोज चेक करते हैं, रोज संपर्क में है, जो विभाग है उससे संपर्क में है, जो अधिकारी है उनसे संपर्क में है, तो बहुत जल्दी जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जून में नहीं होगा, ये हम नहीं बोल रहे, ये जो है ना सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है, जो विभाग के लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो संपर्क में उनके द्वारा बताया जा रहा है, तो माफी चाहेंगे, जून में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जून में ज्वाइनिंग हो सकता है आपका, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना में आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, जा मैथ्स मैजिक,
थैंक यू।